दोस्तों नमस्कार। कल मैंने कुछ जिलों के वीडियोस डाले थे जिसमें दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम बताया गया था, और उसके बाद से लगातार खास तौर पर दंतेवाड़ा के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी और कमेंट सेक्शन में दंतेवाड़ा के बारे में पूछा जा रहा था। और मैं तब से ही लगातार इस तलाश में था कि दंतेवाड़ा का भी दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम अगर मिले तो उस पर वीडियो बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि आज की डेट पर, यानी कि 11 तारीख की डेट पर ही दंतेवाड़ा ने ये रिलीज किया है। इसके पहले उन्होंने अपना कार्यक्रम रिलीज नहीं किया था। तो अब ये कार्यक्रम आ गया है दस्तावेज सत्यापन का, तो हम देख लेते हैं क्या इनका प्लान है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में इसी तरह की नई नई जानकारियां और परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री आप देख पाते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दंतेवाड़ा जिले के बारे में है। दंतेवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया है, और संदर्भ है वही जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बस्तर का, जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके आधार पर। तो उपरोक्त विषयांतर्गत लेख ये है कि कार्यालय कमिश्नर बस्तर संभाग जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 121/2021 जगदलपुर 14/1/2002 के परिपालन में, ये जो लेटर होता है उसका रेफरेंस नंबर है, उसके रेफरेंस में ये बात कही जा रही है। कहता यह है कि कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के लिए एक परीक्षा 26/12/2021 को आयोजित की थी। ये परीक्षा में जिन लोग शामिल हुए थे उनके परिणाम के आधार पर और वरीयता सूची, ये दोनों को मिलाकर के 10 तारीख को, यानी कि 10 जनवरी को इसका परिणाम जारी किया गया था। वह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर है, आज भी उपलब्ध है, उसकी पीडीएफ आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन परीक्षार्थियों या उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन किया जाना है। दस्तावेज के सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो नीचे बताया गया है किस तरह से होना है। आप देख ले, चूंकि दंतेवाड़ा जिला में केवल 4 कैटेगरी के पोस्ट विज्ञापित किए गए थे, इसलिए कोई बहुत लंबी चौड़ी इस पे लिस्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ का जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मगर जो भी कार्यक्रम है वो आपके सामने है। इस पत्र के माध्यम से आपके लिए मैं बता देता हूँ। पहला है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 1 से 13 तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए, जो ST और OBC कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो डेट दी गई है वो डेट है 15/2/2022 एवं 16/2/2022, यानी 15 फरवरी और 16 फरवरी को ये डेट दी गई है। इन दो दिनांकों पर इनका वेरिफिकेशन किया जाना है। तो अब आप ये समझ लें कि आपको किस तरह से इसको देखना है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक हैं, इसके लिए 1 से 3, सीरियल नंबर 3 तक के ST कैटेगरी में बुलाया गया है, और इसका भी डेट वही दिया है 15 तारीख का। तो सॉरी, अगला जो है वो डार्क रूम असिस्टेंट का था, ST के कैटेगरी में 1 से 5 तक के लोगों को बुलाया गया है, और लेब असिस्टेंट कैटेगरी है, चौथा पद है। उसमें आरक्षित श्रेणी से 1/10/19, SC से 20/24/40, OBC 12/29/30/33/39, और सामान्य से भी कुछ इस तरह से है, और 17 और 18, ये 2 दिन इनका सत्यापन किया जाना है। तो ये 2 दिन में आप देख, आपका किस प्रोग्राम बता रहा है, आप संपर्क करें जिला कार्यालय से, और वहां से आप इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेकर के अपना दस्तावेज सत्यापन करा लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आगे कार्यक्रम के लिए। और क्या बातें कहता है वो भी देख लें। पत्र में और कुछ भी बात स्पष्ट नहीं है। रह गई बात वरीयता सूची और परिणाम की, तो अगर आपने अभी तक वरीयता सूची और परिणाम नहीं देखा है तो मेरी सलाह है कि आप या तो बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, और अगर नहीं तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका अवलोकन कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप उस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं जो लिस्ट रिलीज की गई है रैंक के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपकी जानकारी पूरी पसंद आई होगी और ये वीडियो आप काम का होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।